हालेलुया, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद है। हालेलुया, मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है परमेश्वर की पवित्र हजूरी में और परमेश्वर के पवित्र कलाम में। खुदावंद आज आपको आशीष दे, बरकत दे और आज के पवित्र दिन में खुदावंद आज आप सबसे बातचीत करे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। मेरे प्रियो, आज खुदावंद आपके जीवन से धन की घटी को दूर करेगा। आपके जीवन में जो भी फाइनेंशियल जो समस्या है उसे आज परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया, क्योंकि यशाया अध्याय 60 वचन नंबर 5 में लिखा है, तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। आमीन। हालेलुया, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा जो हृदय है वो आनंद से आज भर जाएगा। आज समुद्र का जो सारा धन है और जाति जाति की जो धन संपत्ति है आज तुझे मिलेगी। हालेलुया, आपको परमेश्वर के इन वचनों पे क्लेम करना है मेरे प्रियो, और आज आप परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। आज परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, व्यवस्था विवरण अध्याय 15 वचन नंबर 6 में लिखा है, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा परंतु वह तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगी। फिलिप्पियों 4:19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। आमीन। हालेलुया, मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आज तुम्हारे धन की हर घटी को मैं पूरी करूंगा। आज तुम्हें जाति जाति का धन दूंगा और तुम्हारी धन की जो समस्या है आज वो खत्म हो जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आपको उधार देने वाला बनाऊंगा, आपको उधार मांगना नहीं पड़ेगा किसी से। हालेलुया, आज इन वचनों के अनुसार परमेश्वर से आप मांगिए, इन वचनों पे क्लेम करें और प्रार्थना करें खुदावंद के आगे। आज परमेश्वर सच में आपकी धन की घटी को दूर करेगा, आपको अच्छे नए घरों से ब्लेस करेगा खुदावंद। आइए आप मेरे साथ मिलकर इस प्रार्थना को करें। हालेलुया, 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 धन्यवाद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के इस पवित्र दिन में जो आपने हम सबों के जीवन में दिया है खुदा। आपका वचन कहता है हम मिट नहीं गए, ये तेरी करुणा का फल है। धन्यवाद करते हैं पिता कि सच में आपने अपनी करुणा से हमें आज इस दिन में जीवित रखा है, हम जीवितों की पृथ्वी पर जिंदा है खुदा। सच में ये आपकी करुणा का फल है पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जो जन ये प्रार्थना सुन रहे हैं और वचनों को अंगीकार कर रहे हैं खुदा, आप इनके जीवन में हर एक घटी को दूर करें पिता, और इन्हें आशीषों से भर दें परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। आपका वचन कहता है पिता कि आप हर एक घटी को दूर करने वाले परमेश्वर है। सिंह को तो घटी होती है और वो भूखे भी रहते हैं, परंतु यहोवा के डरवइयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हे खुदावन पिता परमेश्वर, आज इन सभी के जीवन से हर घटी को दूर करें पिता, इन्हें आशीषों से भर दे पिता, इन्हें नए अच्छे घरों से ब्लेस करें खुदावंद। हे पिता परमेश्वर, आप इन पे दया करें। हे खुदावंद, आपका वचन कहता है यशाया 65 वचन नंबर 21-24 में लिखा है, वह घर बनाए और उसमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाएंगे और उनका फल खाएंगे, मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे, उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा और उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा। हे खुदावंत पिता परमेश्वर, सच में आज अपने इस वचन को इन सभी लोगों के जीवन में पूरा करें खुदा, जो आपका भय मानते हैं पिता और आपकी इच्छा के अनुसार चलते हैं पिता, आप इस वचन को उनके जीवन में पूरा करें। आपका वचन कहता है वो अपने घर बनाएंगे और उनमें बसेंगे और आनंद से रहेंगे। हे खुदावंद, सच में ये सभी जन जिनके
पास घर नहीं है, वो किराए के घरों में रहते हैं खुदावंद। आज आप इन्हें छू लीजिए पिता, और इनके हाथों के कामों में बरकत दें पिता परमेश्वर, उन्हें सच में उधार देने वाले बनाए पिता, इन्हें उधार मांगना ना पड़े खुदावंद। ये अपने घरों में अनंत से रहने पाए, अपने नए घरों को ये बनाने पाए पिता, आप इन पे दया करें खुदावंद। हे खुदावंद, आज आप इन वचनों के द्वारा सच में आप इन सबों के जीवन में आशीषों को भर दें पिता, ये सभी अपने नए घरों में बनाकर उसमें बसने पाए पिता। हे पिता परमेश्वर, जो भी शैतानी बंधन इनके घरों में और कामों के स्थान पर है पिता, वो बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, और इनके बंद काम खुल जाए, बंद बिजनेस खुल जाए यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। प्रभु आपका वचन कहता है, मैं उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। हे खुदा, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने हमारी पुकार को सुन लिया है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। हे पिता परमेश्वर, आपने उनका उत्तर दे दिया है। हे खुदावंद, आपने सच में हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर लिया है पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और सारी महिमा और जलाल आपको देती हूँ पिता परमेश्वर। हे खुदावंद, आप इनके सच में इनके घरों में पिता हर घटी को दूर कर दें पिता, हर बंधन को तोड़ दें, हर जो भी कर्जे की समस्या इनके जीवन में है वो खत्म हो जाए आज यीशु के नाम में। इनके घरों को आशीषों से भर दें पिता, धन की घटी को दूर करें और नए घरों से इन्हें ब्लेस करें यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। हे पिता परमेश्वर, आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह, आपका फजल, पवित्र आत्मा जी, आपकी सहभागिता हमेशा इन धर्मी जनों के साथ, इनके परिवारों के साथ बनी रहे यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप परमेश्वर के इन वचनों पे विश्वास करें, भरोसा करें, और आज जो वचन मैंने आपको बताए हैं, आप इन वचनों को हर रोज इन वचनों को दोहराएं, इन पे मनन करें। सच में परमेश्वर आपके घर से धन की घटी को खत्म करेगा और आपको नए घर से ब्लेस करेगा। आपको विश्वास करना है इन वचनों पे, और बोलना है और मांगना है परमेश्वर से। आज आपके घर की हर घटी खत्म हो चुकी है, आपको परमेश्वर ने आशीषों से भर दिया है। सच में आप आज के बाद हर बंधन से आजाद हो चुके हैं यीशु के नाम में। आप हमेशा वचनों के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें, क्योंकि खुदावंद सच में आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। विश्वास करें और दृढ़ रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।